हाय छात्र, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के अगले टॉपिक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अगर आप पीछे के सभी वीडियोज सीरियल वाइज नहीं देखे होंगे तो कृपया उसे देख लेंगे। और हमारे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिगेंड किसको कहते हैं, लिगेंड क्या होता है, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, किस आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बारे में हमने लिखा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर। उपसंयोजक के बारे में हम लोग पढ़े कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। तो उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या रहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, लिगेंड्स रहते हैं, लिगेंड्स परमाणु रहते हैं। तो लिगेंड परमाणु इस प्रकार जुड़े रहते हैं, यानी केंद्रीय परमाणु के साथ लिगेंड परमाणु जुड़े रहते हैं। वो इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक विशिष्ट व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब एक विशिष्ट व्यवस्था देखने को मिलती है। कहने का मतलब वह एक प्रकार का पैटर्न बनाता है, एक प्रकार की संरचना बनाती है। इस कारण से, विशिष्ट व्यवस्था के कारण से केंद्रीय परमाणु के प्रति उपसंयोजक या समन्वय बहुफलक बनते हैं। यानी हम लोगों ने समझ लिया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, उस उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, और केंद्रीय उसके मेटल्स जो होते हैं उसके चारों ओर लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। तो चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं तो चारों ओर लिगेंड एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाती है, यानी कह सकते हैं कि द्विक व्यवस्था का एक संरचना बनाती है। तो इस द्विक व्यवस्था के कारण जो उपसंयोजक हमारा है वो क्या करते हैं कि उपसंयोजक बहुफलक या समन्वय बहुफलक का निर्माण करते हैं। यानी उपसंयोजक बहुफलक या समन्वय बहुफलक एक ही है, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख हमारा है चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है तथा अष्टफलकीय प्रमुख है, मेनली इसमें है। तो इसमें हम संरचना देखेंगे कि ये चतुष्फलकीय हमारा है। चतुष्फलकीय में हमारा जो ये मेटल्स है हमारा, जो कि सेंट्रल में हमारा है मेटल्स, और मेटल के चारों साइड हमारा क्या है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। चारों साइड क्या हुआ है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। इस लिगेंड के कारण यह एक प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था बनाती है, यानी एम से समझेंगे मेटल्स, एम फोर मेटल, L4 समझेंगे लिगेंड, Li होता है लिगेंड। तो यहां मेटल्स हमारा बीच में है, उसके चारों ओर जो है लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ये लिगेंड जुड़ करके एक विशिष्ट व्यवस्था बनाती है, इस व्यवस्था का जो नाम है हमारा चतुष्फलकीय। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M मेटल्स एक हैं, एक दो तीन चार लिगेंड्स हमारे पास कितने हैं, एम एल फोर, यानी एम एल फोर के संरचना में भी हम लोग जान सकते हैं। अब ये एम एल फोर हमारा जो होता है, इसके दूसरे एग्जांपल्स भी हमारे हो सकते हैं कि और सारे कौन से मेटल्स इसमें हमारा जुड़ सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो एक संरचना हमारी आती है निकेल की, एन आई सी ओ फोर, ये हमारा एक उपसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम एम की बात करें, एन आई की बात करें तो एन आई क्या है हमारा, मेटल्स है। सीओ को कार्बोनिल की बात करें तो ये हमारा क्या है, लिगेंड है। यानी सेंट्रल एटम के साथ चार हमारा लिगेंड जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम के साथ चार लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल्स है कि इसकी जो संरचना होगी चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय की संरचना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग समतलीय मतलब क्या है
कि जब कोई हमारा मेटल्स है सेंट्रल में होगा और सेंट्रल मेटल के चारों साइड क्या है लिगेंड से घिरा हुआ रहेगा, तो सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन के चारों साइड लिगेंड जुड़े रहते हैं और वो लिगेंड एक विशेष व्यवस्था बनाती है। तो यहाँ भी हमारा क्या है केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के चारों साइड लिगेंड परमाणु क्या है जुड़ा हुआ है और इससे एक विशिष्ट व्यवस्था बन रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बन रही है उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग समतलीय। यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं एम एल फोर, इसमें भी मेटल हमारा केंद्रीय धातु एक है और लिगेंड की संख्या चार है। और इसमें जो हम देखेंगे तो प्लेटिनम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हो जाएगा पी टी सी एल फोर, ये एग्जाम्पल हमारा है। इसकी जो संरचना हम बनाएंगे तो मेटल के जगह पे चला जाएगा पी टी, लिगेंड की जगह जाएगा सी एल, यहाँ भी लिख सकते हैं सी एल, यहाँ भी लिख सकते हैं सी एल और यहाँ भी लिख सकते हैं सी एल। यानी मेटल प्लेटिनम यानी संरचना हम बनाएंगे तो मेटल के जगह पर पी टी रख सकते हैं, लिगेंड की जगह पर क्लोरीन रखेंगे, तो ये जो संरचना बनेगी ये बनेगी हमारी वर्ग समतलीय। यानी ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो जाएगा वर्ग समतलीय का। अगला देखेंगे तो ये है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना, इसमें भी वही बात है, जो हमारा एक केंद्रीय धातु है और केंद्रीय धातु के जो चारों साइड हैं लिगेंड जुड़ा हुआ है और ये लिगेंड हमारा जो होगा इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एम मेटल एक है लिगेंड हमारा छो है। अब ये जो संरचना हमारी जो होती है अष्टफलकीय संरचना में क्या होते हैं कि हमारे जो चार जो होते हैं ये चार जो हमारे होते हैं इस प्रकार जुड़े रहते हैं, दो को इस साइड लेंगे तीसरा इस साइड रखेंगे और चौथा हमारी इस साइड हो जाएगा। ये चारों चार साइड से हमारे वर्ग की संरचना का निर्माण कर रहा है। एक हमारा क्या होगा नीचे होगी, एक हमारा क्या होगा ऊपर होगी। ऊपर वाले तो हम लोग देख सकते हैं थ्री डायमेंशन में, नीचे वाले तो क्या ये परत के साथ ढका हुआ रह सकता है। इस संरचना में देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना में दिख रही है, यानी चारों साइड से चार हमारा है, एक ऊपर से आएगा तो ऊपर वाले थ्री डायमेंशनल में हम लोग देख सकते हैं, नीचे वाले क्या होगा इस डायमेंशन से ढका जाएगा तो उसकी लेयर को हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये अष्टफलकीय हो जाएगी, तो ये अष्टफलकीय जो संरचना हो जाएगी इसके जो एग्जाम्पल्स हमारे हो जाएंगे CuNH3O6, ये हमारा क्या है अष्टफलकीय की संरचना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग कार्बोनिल दे सकते हैं, यहाँ पे NH3 लिख सकते हैं, यहाँ भी NH3 लिख सकते हैं, यहाँ भी NH3 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी NH3 लिखा जा सकता है, यहाँ भी NH3 लिख सकते हैं और यहाँ भी NH3 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो हेक्साएमीन जो हमारा है और कोबाल्ट, तो इस कंपाउंड को हम जो बनाएंगे तो ये अष्टफलकीय संरचना बनेगी। अगला जो हमारा है बेसिकली त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडल और वर्ग पिरामिडल, इसमें भी वही बात है हमारा है कि सेंट्रल एटम्स हमारे हैं उसके चारों साइड क्या लिखा हुआ है लिगेंड्स लगा हुआ है। तो वर्ग पिरामिडल में क्या है, यहाँ पर लिगेंड्स हमारा है, ये भी लिगेंड्स हैं, ये भी लिगेंड से जुड़ा हुआ, ये भी लिगेंड से जुड़ा हुआ और ये भी लिगेंड से जुड़ा हुआ। यानी इसकी जो संरचना हमारी जो हो जाएगी, ये चारों जो हमारे हैं चार डायमेंशनल में इसको रखेंगे, फोर डायमेंशनल में इसको पकड़ेंगे, देख लीजिए इस प्रकार पकड़ेंगे, चार डायमेंशनल हमारी है, यानी इस प्रकार देखेंगे तो चार डायमेंशनल है 1, 2, 3, 4। अब इस चार डायमेंशनल जो है लेयर है, इस चार डायमेंशनल के ऊपर एक सा हमारा सा लेयर है, यानी कहेंगे तो ऐसे है, इस प्रकार हमारा एक है, इस प्रकार से इस लेयर को इसके यानी इसके जो हमारे टॉप्स हैं इसके टॉप से मिलाएंगे और इसको ही मिलाएंगे, इसको ही मिलाएंगे, यानी चारों साइड वाले टॉप्स को जब हम मिलाएंगे ऊपर वाले लेयर से तो हमारी जो बनेगी वर्ग पिरामिडल बनेगी। और इस वर्ग पिरामिडल में जो होंगे चारों साइड हमारे लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा। इसकी जो एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो इसकी जो एग्जाम्पल हमारी हो जाएगी FeCO5 इसकी एग्जाम्पल होगी, ये क्या होंगे हमारे एग्जाम्पल्स होंगे। इसको चैलेंज करेंगे इस मेटल के जगह पे क्या आ सकता है हमारा Fe आ सकता है, और यहाँ पे जो है सब की जगह पे क्या है कार्बोनिल। यानी सेंट्रल मेटल्स की एग्जांपल FeCO5 की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वर्ग पिरामिडल।
आपको एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि Fe2CO5 की संरचना बताएं कैसे होती है, या इसका समन्वय बहुफलक क्या है, या उपसा संयोजक बहुफलक क्या है। तो आपको इस बेसिक पे हिसाब से देख सकते हैं कि एक मेटल्स हैं उसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर बना सकते हैं। कुछ हमारा बेसिक्स है जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे Ml4 एक सेंट्रल मेटल्स हैं, चार लिगेंड्स हैं। यहाँ भी देखिए Ml4 एक सेंट्रल मेटल है और चार लिगेंड्स हैं। तो इस आधार पे थोड़ा डिटरमाइन करना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत सारे संरचना है जिसमें एक सेंट्रल एटम्स होंगे और चार लिगेंड्स होंगे, तो हम किस प्रकार ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी संरचना वर्ग समतलीय होगी या चतुष्फलकीय। तो इसको समझने के लिए हमें प्रैक्टिकली सबका स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि एटम में किस प्रकार का जो हमारा एनर्जी है, किस प्रकार बॉन्ड को संरचित कर रहा है, उसके आधार पर संरचना बनती है। तो हमको बेसिकली जो प्रमुख हैं ये हमारा चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है और अष्टफलकीय है। ये बेसिकली तीन हमारा होते हैं और ये चौथे और पांचवे जो स्ट्रक्चर्स हैं इस आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि समन्वय बहुफलक क्या होता है। एक बार फिर से हम आपको रिविजन करवा देते हैं कि समन्वय बहुफलक कह सकते हैं किसी भी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड परमाणु इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की संरचना या व्यवस्था देखने को मिलती है। इस व्यवस्था के प्रति उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं क्या करते हैं, उपसंयोजक बहुफलक या समन्वय बहुफलक का निर्माण करता है। और वो कैसी कैसी संरचना होती है जिसको हम लोग ने बताया है कि चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, त्रिकोणीय, द्वि पिरामिडल और वर्ग पिरामिडल, इसकी संरचना भी हम आपको बना के बताएं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होती है। तो इस प्रकार आपको लाइक कमेंट्स करें जिससे हमको ये कॉन्फिडेंस और मनोबल मिलता रहे कि आपके लिए और बेटर तरीका से और बेटर वीडियो और सारे वीडियो बनाते रहें और आप सीखते रहें। थैंक्स।